बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज मलिक सजाद रजवी विद यू एंड यू आर वाचिंग मलिक सजाद रजवी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, यू आर वेरी लकी दैट यू आर वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश टेंसेस, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। लेक्चर नंबर वन है आज का हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। बहुत ही आसान तरीके से हम टेंसेस को सीखेंगे। आज लेक्चर नंबर वन हम स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली माई यूट्यूब चैनल मलिक सजाद रजवी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, कोई लेक्चर मिस ना हो सके। 13 लेक्चर्स की सीरीज होगी है, मतलब 13 दिन में 12 टेंसेस हम सीखेंगे और 13 डेज में हम टेंसेस इंशाल्लाह हमारे फिंगर टिप्स में होंगे और हमें कोई कन्फ्यूजन्स भी नहीं होगी। बहुत ही आसान करके, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लेक्चर्स लें और आपको टेंसेस ना आए, तो आप इसको लाजमी लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि लेक्चर्स दूसरों से भी जरूर शेयर करें, यह सबका जारिया भी होगा ताकि दूसरों का भी बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस, टेंसेस की पहचान। हम कैसे पहचान करेंगे ये टेंस हम जो पढ़ रहे हैं, ये टेंस है कौन सा। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है आपके सामने, मैं कहता हूं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। कैसे पता चलेगा ये टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है? तो यही आज सीखेंगे हम कि प्रेजेंट टेंस क्या है, उसकी पहचान क्या है, पास्ट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो जी हाँ, सबसे पहले याद रखें, प्रेजेंट टेंस है मौजूदा जमाना जिसमें हम मौजूद हैं। पास्ट टेंस वो होता है जो जमाना गुजर चुका हो, माजी हो जाता है। फ्यूचर टेंस कौन सा होता है? जो आने वाला टाइम है, अभी वो टाइम गुजरा भी नहीं, उसमें है भी नहीं, बल्कि अभी आएगा, वो है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में करंट टाइम, मतलब जिसमें हम मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूं हम टेंसेस सीख रहे हैं, तो ये मौजूदा जमाना ना। अच्छा, उर्दू में आपके सामने एक जुमला आता है, आप कैसे पहचान करेंगे कि यार ये जो जुमला है ना मेरे सामने जो लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट का जमाना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि उर्दू के सेंटेंस में, जो जब उर्दू का सेंटेंस खत्म हो तो उसके लास्ट पे है या हूं, इन तीनों में से कोई एक वर्ड आता है तो मान लीजिए वो सेंटेंस आपका, वो जुमला उर्दू का, वो प्रेजेंट टेंस है, वो मौजूदा जमाना है। ये तीनों चीज याद रखिएगा। उर्दू का एक सेंटेंस आप पढ़ते हैं, कोई भी बुक उठा लें आप उर्दू की, उस वो आपका उर्दू का जुमला है पे खत्म हो गया, हैम पे या हूं पे, तो मान लीजिए वो मौजूदा जमाना है, वो प्रेजेंट टाइम है, वो करंट टाइम है। जैसे परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, लास्ट पे हैं आया, भाई फिर वो समझ लीजिए वो है आ गया ना, वो प्रेजेंट टाइम है, वो अभी की बात हो रही है। ठीक है, बच्चे नमाज अदा कर रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, लास्ट में क्या आया, हूं, तो हूं क्या है, प्रेजेंट है अभी, ये प्रेजेंट के वर्ड्स हैं, इसको अच्छी तरह से याद रखिए। ये एक बिल्ली है, लास्ट पे है आ गया, तो भाई है आया, तो इट्स मीन ये मौजूदा जमाने की बात हो रही है। बिल्ली दूध पी रही है या बिल्ली दूध पीती है आया लास्ट पे, तो ये प्रेजेंट टाइम है। अच्छा, इंग्लिश में कैसे पहचान करेंगे, एक सेंटेंस इंग्लिश में आपके सामने आता है उसको कैसे पहचानेंगे? तो भाई याद रखिएगा, ये 7 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हम 12 टेंसेस जो हम पढ़ेंगे ना उसके अंदर प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे बस वो यही हैं, इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव। और आपको इनको अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। अगर आप इंग्लिश के किसी सेंटेंस में इज को देखते हैं, एम, आर, डू, डज, हैज या हैव, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब अगर आप देखते हैं, इट्स मीन कि वो प्रेजेंट का सेंटेंस होगा, वो टेंस प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान वे है इसको अंडरस्टैंड करने का। अब तक प्रेजेंट को समझ के, प्रेजेंट को रीड करके
आइडिया हो चुका होगा कि हम कैसे पहचान करेंगे कि ये जो टेंस हम पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट का टेंस है। अच्छा, यहां पे कुछ सेंटेंसेस मैंने राइट किए हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, लास्ट में क्या आया है? भाई मैंने कहा था अगर सेंटेंस के लास्ट पे हैं आ गया ना उर्दू में तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। मेरे पास चार किताबें हैं आ गया, प्रेजेंट टेंस है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं आ गया, प्रेजेंट टेंस है, मौजूदा जमाना है। इंग्लिश में पहचान, जैसे एक ये इंग्लिश के सेंटेंस कैसे पता चलेगा यार ये प्रेजेंट के सेंटेंसेस है सारे? अच्छा, वी आर आ गया, मैंने कहा आर अगर सेंटेंस में आ जाएगा तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। हैव आ गया इसमें तो मैंने सेवन हैव वर्ब्स पढ़े हैं ना, अगर हैव आ जाता है इंग्लिश के सेंटेंस में वो प्रेजेंट टेंस होगा, मौजूदा जमाना होगा। इसी तरह यहां पे डू आ गया, आई डू नॉट चला है, तो डू आया तो डू इट्स मीन के प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है, ये सेंटेंस कौन सा होगा? ये प्रेजेंट का जुमला, ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो याद रखें इज एम आर डू डज हैज हैव, फिंगर टिप्स पे याद कर लें। ओके, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट आए पास्ट पे। पास्ट क्या है? दूसरा हुआ टाइम है ना। हम पास्ट में क्या करते हैं? अगर उर्दू के किसी सेंटेंस के लास्ट पे था, थे, थी या अलीफ छोटी ये या बड़ी ये आता है तो इट्स मीन वो गुजरा हुआ टाइम होगा, वो पास्ट टेंस होगा। हम ब्लाइंडली कह देंगे ये पास्ट टेंस है जी। जैसे शहर आने से पहले मैं गांव में रहता था, था आ गया, कौन सा टेंस है जी? था आ गया, पास्ट टेंस हो जाएगा, गुजरा हुआ टाइम हो जाएगा। वो झूठ बोलता था, था आ गया, पास्ट टेंस है। हम इस टाइम मार्केट जाते थे, थे आ गया, कौन सा टेंस है? ये थे, कौन सा टेंस हो जाएगा? ये गुजरा हुआ जमाना है, पास्ट टेंस हो जाएगा। इस अलीफ, उसने झूठ बोला, लास्ट पे अलीफ आया तो टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट, पास्ट का टेंस हो जाएगा, बिल्कुल गुजरा हुआ टाइम हो जाएगा। तो अलीफ छोटी है या बड़ी है कोई भी, जैसे उसने चोरी की, लास्ट पे छोटी ये आ गया, की पास्ट टेंस हो जाएगा। तो ये तो थी उर्दू में पहचान। अब इंग्लिश में फोर हेल्पिंग वर्ब्स हैं जी आपके सामने, इन फोर हेल्पिंग वर्ब्स को याद कर लें। इंग्लिश के किसी सेंटेंस में ये फोर हेल्पिंग वर्ब्स आ गए तो ब्लाइंडली आंखें बंद करके कह दें जी ये पास्ट टेंस है, ठीक है? जैसे वाज, वर, हैड, डिड। इंग्लिश के किसी सेंटेंस में ये चारों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ गया, पास्ट टेंस हो जाएगा, गुजरा हुआ जमाना हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर है गुजरा हुआ, आने वाला जमाना, अभी टाइम आना है, ये फ्यूचर टेंस है। उर्दू में कैसे पहचान करेंगे? अगर किसी उर्दू के जुमले में गा, गे या गी, इनमें से कोई एक वर्ड आप देखते हैं ना लास्ट पे, एक लफ्ज, या आपका उर्दू का कोई जुमला गा, गे या गी पे खत्म होता है, इट्स मीन कि वो आने वाला टाइम है, कमिंग टाइम है, वो फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, जैसे परिंदे आज गाना गाएंगे, बच्चे आज क्रिकेट खेलेंगे, मैं आज अपने गांव वापस जाऊंगा, क्या आ रहा लास्ट में? गा, गे, की। लड़की नात पढ़ेगी, गी आ गया, कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है, कमिंग, आने वाला टाइम है, अभी काम होना है। ठीक है, परिंदे आज हवा में नहीं उड़ेंगे, अभी टाइम आना है, गे, फ्यूचर टेंस। तो भी फ्यूचर के जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना उनको बेसिकली कहते हैं मॉडल वर्ब्स। तो आप समझने के लिए हेल्पिंग वर्ब का नाम ही ले लें, विल एंड शैल टू ही है। अगर आपको इंग्लिश के किसी सेंटेंस में विल एंड शैल नजर आए तो वो फ्यूचर टेंस, कमिंग टेंस होगा, आने वाला जमाना होगा, विल एंड शैल आएगा तो टेंस कौन सा होगा? आने वाला जमाना हो जाएगा। ठीक है, आई विल बी देयर एट द टाइम, मैं वक्त पर वहां होऊंगा, आई विल बी या आई शैल बी। Understand?
आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा. शैल अगला टेंस कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर कमिंग टेंस. तो अपनी अपनी कोई भी इंग्लिश की बुक्स उठा लें, कोई बुक उठा लें, कोई लिटरेचर उठा लें, कोई ऐसे उठा लें इंग्लिश का और उर्दू, दोनों उर्दू पढ़ते जाएं और पहचानते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है. इंग्लिश का उठाते जाएं, इंग्लिश पढ़ते जाएं, इज एम आर हैज हैव डू डज, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो बता दीजिए प्रेजेंट का टेंस है. वाज वर्ड हैड एंड डिड आता है तो समझ जाइएगा ये पास्ट का टेंस है. अगर विल एंड शैल आता है तो समझ जाइएगा ये फ्यूचर का टेंस है. बहुत ही इजी वे है, अंडरस्टैंड कीजिए. और इसके साथ साथ कुछ मॉडल वर्ब्स और भी हैं, जैसे कैन, कुड है, मे और माइट है, वुड है, तो ये बाद में इसको डिस्कस करेंगे. चलिए यहां बताता चलूं, कैन है, कैन आ जाता है तो वो भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन वो 12 जो टेंसेस हमने पढ़ने हैं ना उनमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते, इसलिए मैंने उनका जिक्र अभी यहां पर नहीं किया है. तो इनको आप अच्छी तरह समझ जाएं. 7 हेल्पिंग वर्ब्स ये हो गए, प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के कितने हो गए? 11, एंड 2 हो गए किसके? हाँ जी, फ्यूचर के. टोटल कितने हो गए? 13. 13 हेल्पिंग वर्ब्स और 13 ही लेक्चर्स. ओके, उम्मीद करता हूं लेक्चर समझ चुके होंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए दूसरों के साथ और 13 लेक्चर की सीरीज को लास्ट में देखिएगा. इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं टेंसेस आपके लिए कुछ भी नहीं होंगे और इजीली हम टेंसेस सीख जाएंगे इंशाल्लाह. कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा नंबर नोट डाउन कर लें, 0092 300 40 67 490. ये जो 90092 है ये कोड है अब्रॉड के लिए. पाकिस्तान से जो कॉल करना चाहते हैं या व्हाट्सएप करना चाहते हैं वो डायरेक्टली 0300 40 67 490. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.